ओके, चैप्टर फाइव में से काव्या की प्रॉब्लम है. वी विल डू चैप्टर फाइव क्वेश्चन नंबर, दैट इज एग्जांपल नंबर 14. ओके, तो लेट अस डू दैट. काव्या, यू टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 14 ना? यस. ओके, चलिए बेटा, लेट अस डू एग्जांपल नंबर 14, दैट इज ऑन पेज 110. एग्जाम्पल 14, पेज 110 बेटा. द क्वेश्चन इज, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी. ओके बेटा, आई नीड टू प्रूव, दैट इज टू प्रूव x square plus y square equals to 1. You can do it by many methods. मैंने आपको आगे भी बताया था, I've already told you this thing. Whenever real part square plus imaginary part square is there na, what you have to do, you have to take जो है modulus on both sides. Okay? In the given equation, you take modulus on both sides beta. When you take modulus, you get mod of, that is modulus of x plus iota y, that is equals to modulus of a plus iota b over a minus iota b. और हम ये property कर चुके हैं, modulus of z1 over z2, that is equals to modulus of z1 over modulus of z2, provided z2 is not equal to 0. तो बेटा वी कैन यूज हियर. तो मैं क्या करूंगी बेटा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी ओवर मॉडुलस ऑफ ए माइनस आयोटा बी. ओके बेटा, नाउ आपको मॉडुलस पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज मेरे पास जो है सी प्लस आयोटा डी का मॉडुलस है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस, दैट इज रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर ना. तो यही अप्लाई करेंगे बेटा यहां पर इस साइड पे, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी साइड पे बेटा मेरे पास अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इज माइनस बी, तो उसका स्क्वायर. अल्टीमेटली बेटा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर over root a square plus b square, it will cancel and you will get one here. So that means what you get after there, I am doing here beta, that is root x square plus y square equals to one, that means x square plus y square is equal to one, squaring on both sides. Okay beta, so hence proof. Okay, any other problem to any other student beta, or Kavya, any other problem beta? Okay Shreya, any other problem? Okay, Samriddhi want to ask. Yes Samriddhi, yes beta, ask the problem. Ma'am, linear inequalities में आपने एक critical points choose करने वाला question करवाया था ना, मैं वो एक बार दोबारा समझा दो. Sure बेटा, sure. हाँ जी बेटा, so let us do now the linear question problem. Linear over linear tha beta, jo type jisme hum critical points calculate karte the. I'm taking the example from my side, just wait. And now suppose I have taken this example 3x plus 2 over x minus 1 greater than equals to 0. ओके, अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो इसको उधर ले जाते हैं, दैट इज रॉन्ग बेटा. मैंने आगे भी आपको ये बात समझाई थी कि जब भी लीनियर ओवर लीनियर की इनइक्वालिटी है तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्स के कोफिशिएंट को वन बनाना, यूनिटी बनाना. तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले थ्री कॉमन लेंगे, थ्री पॉजिटिव है, जब मैंने कॉमन लिया
इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब थ्री मैंने कॉमन लिया तो ऑब्वियसली ये टू बाई थ्री के नीचे आएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स करने के लिए मैंने आपको कहा था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली इक्वल टू जीरो करो। तो जब मैंने सेपरेटली किया इक्वल टू जीरो किया तो x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री आई, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। और इधर से इसको किया, आप इसको यहाँ लिख सकते हो हेडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके बेटा, तो अब मेरे पास यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ करेंगे बेटा। जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे टू पॉइंट्स है आपके पास। अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो लेफ्ट पे ये नेगेटिव वाला आएगा और राइट पे ये पॉजिटिव वाला आएगा। आ गया बेटा। अब मैंने आपको ये बात बताई थी अगर यहाँ इक्वल टू है तो न्यूमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर होगा, डिनोमिनेटर वाला कभी भी नहीं होता। डिनोमिनेटर वाला कभी भी पॉइंट कंसिडर नहीं होता, चाहे इक्वल टू यहां मेंशन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल टू मेंशन है तो न्यूमिनेटर वाला पॉइंट को कंसिडर करना है, इक्वल टू नहीं है तो तब न्यूमिनेटर वाला पॉइंट भी कंसिडर नहीं होगा। ओके जी, तो यहां पर ये पॉइंट कंसिडर होगा, मैंने इसको डार्क कर दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया। अब ये कॉमन लेने पे मेरा यहाँ ग्रेटर देन ही रहा है ना, हम स्टार्ट करते हैं हमेशा इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया बेटा, क्योंकि ग्रेटर देन वाला है तो आंसर मेरा एक ये होगा एक ये होगा। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो आंसर मेरा नेगेटिव वाला। ओके बेटा, तो अब लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, यहाँ कोई नंबर नहीं तो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर इंफिनिटी, मैंने आगे भी आपको बताया था इंफिनिटी और नॉट इंफिनिटी के साथ हम सॉरी नेगेटिव इंफिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट्स आती हैं, तो हम क्या लिखेंगे माइनस इंफिनिटी कॉमा। अब देखो ये इंक्लूड करना है ना, मैंने डार्क की है अगर इसको डार्क किया है तो दैट मीन्स माइनस टू बाय थ्री के साथ क्लोज ब्रैकेट। ओके और यहां पर यूनियन, अब यहां पर देखो वन को मैंने डार्क नहीं किया तो दैट मींस ओपन ब्रैकेट वन टू, इंफिनिटी के साथ तो आती है ओपन, एनी डाउट टू एनी वन। हाँ जी, कुछ पूछना चाहती हूँ बेटा समृद्धि, क्लियर? ओके यस काव्या, यू आर हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम? ओके हिमांशु वांट्स टू आस्क समथिंग फर्स्टली, यस हिमांशु। मैम चैप्टर 5th की एग्जांपल नंबर 16 एक बारी करा दो। हां जी, चैप्टर 5th की एग्जांपल नंबर 16। ओके ओके काव्या आपकी पहले प्रॉब्लम सुनने, मैं ये भी पूछ लेती करवा देती हूँ। यस काव्या बेटा, यस हां जी काव्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, मैम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का 4th क्वेश्चन। ओके मैं वो भी करवा देती हूँ। ओके बेटा, फर्स्टली लेट अस डू दिस एग्जांपल, फिर मैं काव्या वाली प्रॉब्लम करवा देती हूँ। चलिए बेटा, जो हिमांशु ने प्रॉब्लम पूछी है ना बेटा, उसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने जो क्लास में करवाया वो सिज वाला मेथड करवाया, क्योंकि उससे कैलकुलेशन और हमारा सम ईजी हो जाता है। तो मेरे पास एग्जाम्पल 16 ऑन पेज बेटा 111, द क्वेश्चन इज कन्वर्ट z इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 ओवर सिज जो है पाई बाय 3। आपको बता दीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, सिज c फॉर cos, i फॉर आयोटा, s फॉर साइन, ठीक है। बुक में ऐसे लिखा हुआ है, देखिए cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ओके बेटा, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दी। अगर यहाँ कॉज होता तो क्वेश्चन अलग बन जाता है, मैंने सिज लिखा है यहाँ पर, ठीक है, हमें स्टेटमेंट में सिज मेंशन है तो हमने उसके अकॉर्डिंगली कर, ठीक है जी। अब सबसे पहला काम,
हम डिनोमिनेटर को बाद में कर लेंगे, किसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रियल पार्ट पहले होता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है, ओके? और इसको सीज ऑफ पाई बाय 3 एज इट इज लिखते हैं। हम इसको जेड वन लेट कर लेते, दिस इज जेड टू। सबसे पहले जेड वन को भी मैं सीज में कन्वर्ट करूंगी, और उसका कन्वर्ट करने का मेथड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जैसे होता है, आपको पता है ना? तो दैट इज जेड वन, हम लेट कर लेते हैं कि जेड वन इज माइनस वन प्लस अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की फॉर्म में लिख कर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, r कैलकुलेट करते हैं, जिसमें क्या होता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बेटा ये रूट टू बन गया मेरे पास, ओके? आफ्टर देन हम सबसे पहले tan अल्फा कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, 1 ओवर माइनस 1, आंसर 1। टैन के एंगल की वैल्यू 1 कब होती है बेटा? जब एंगल कितना होता है, पाई बाय 4, 45 पे होती है ना, तो दैट मींस अल्फा मेरे पास पाई बाय 4 आ गया। बट मुझे तो थीटा कैलकुलेट करना होता है, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अब बेटा मुझे जो है थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले बेटा क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो दैट मींस बेटा आप कहोगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर हमारा थीटा क्या बन जाता है, पाई माइनस अल्फा। आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है ना, तो पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4, ओके बेटा, क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास आर भी आ गया, हमारे पास थीटा भी आ गया, तो दैट मींस कि हम जेड वन को कैसे लिखेंगे, रूट टू सिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिज 3 पाई बाय 4, ओके जी। अब हम आगे की बात क्या करेंगे, हमने इसको वैल्यू निकाल ली इसकी, इसकी हमारे पास है, तो आगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, z1 की वैल्यू रूट टू सेज ऑफ 3 पाई बाय 4 ओवर सेज ऑफ पाई बाय 3। और मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, सेज ऑफ अल्फा 1 ओवर सेज ऑफ अल्फा 2, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेज ऑफ अल्फा 1 माइनस सेज ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, डिवाइड में एंगल्स माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में एंगल्स प्लस हो जाती है। तो यही मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगी यहाँ, ये रूट टू एज इट इज, ये अल्फा 1 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, सेज ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, तो दैट इज रूट टू सेज ऑफ, हाँ जी, 12 और ये 9 पाई माइनस 4 पाई, तो दैट इज रूट टू सेज ऑफ 5 पाई बाय 12, ओके जी। हिमांशु प्रिया, एनी डाउट? हिमांशु क्लियर, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट काव्या की प्रॉब्लम है, अगेन लेट अस डू दैट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है काव्या, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल किया था, जो आपने मेरे से पूछा था बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है उसमें, बट एक बार हम कर लेते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है 4 ऑन पेज 112 ऑफ योर बुक, ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी बेटा, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी ओवर सी माइनस आयोटा डी। और मुझे टू प्रूफ करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं आपको ना दूसरे मेथड से करके बताती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, लेट अस डू बाय द अदर मेथड। अब वो अदर मेथड क्या है कि आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो गिवन इक्वेशन। ओके, इक्वेशन फर्स्ट ये टेक द कॉन्जुगेट, ये मैंने टू प्रूफ करना है, टेक कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन वन। हाँ जी, कॉन्जुगेट किया इक्वेशन वन का तो बेटा मेरे पास हो गए क्या आ गया यहाँ पर इक्वेशन वन का कॉन्जुगेट दैट इज ए एक्स प्लस आई होता वाई। हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट में रियल पार्ट को एज इट इज लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं बेटा। तो सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब बेटा मेरे पास हो गए यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट का रूट ए प्लस आयोटा बी ओवर सी प्लस जो है मेरे पास आयोटा डी। ओके बेटा, अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कैसे लिखोगे इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन टू। ओके बेटा, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स, यहाँ पहले माइनस वाली लिखी फिर प्लस वाली निकली, उसके बाद इक्वल्स टू फर्स्टली आई एम राइटिंग दिस सी माइनस आयोटा डी इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी ओवर सी प्लस आयोटा डी। ओके बेटा, अब हम इस साइड को सॉल्व करें। आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आई एम राइटिंग हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके जी, अब सेम ये अंडर रूट में अंदर टर्म लेके जा सकती है ना, तो अंडर रूट के अंदर ही लेगे सारी, सेम ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, सेम इन द डिनोमिनेटर सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर। ओके बेटा, अब आगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा आयोटा का स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा ना बेटा, तो ये बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इधर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मुझे प्रूफ करने के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर बेटा होल स्क्वायर चाहिए और इधर अंडर रूट नहीं चाहिए था, ऑब्वियस है बेटा हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्केयरिंग कर दें। जब स्केयरिंग करेंगे तो इधर स्केयर हो जाएगा, इधर स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज ये टर्म आ जाएगी। ओके जी, एनी डाउट एनी वन एनी अदर डाउट बेटा। हाँ जी बेटा, जस्ट रेज योर हैंड टू आस्क द प्रॉब्लम, हरी अप बी फास्ट। हाँ जी बेटा, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 20th ऑन पेज 113 बेटा। तो सेम चैप्टर की प्रॉब्लम है, तो लेट अस सी की हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, तो मेरे पास टू है बेटा क्वेश्चन नंबर 20th is if 1 plus iota over 1 minus iota power m equals to 1, then find the positive, least positive integral value of m. इन्होंने कहा है कि least positive. अब बेटा देखिए, least positive में मुझे क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट पॉजिटिव तभी निकालूंगी जब इसको मिनिमाइज कर दूं टर्म को। अब मिनिमाइज करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसको रैशनलाइज कर दूं। ओके, रैशनलाइज किया मैंने सबसे पहले तो मेरे पास सेम सेम टर्म बन गई, यानी होल स्क्वायर बन गया। यानी अगर मैं ये देखूं तो वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर,
नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा, तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन प्लस टू आयोटा ओवर वन प्लस वन, ये और ये कैंसिल, यू लेफ्ट विद टू आयोटा बाय टू, टू टू कैंसिल, लेफ्ट विद आयोटा ओनली। ओके बेटा, अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ आयोटा बचा बेटा। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करते हैं इसकी प्लेस में। ओके, तो इक्वेशन वन इंप्लाइज, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा पावर एम इक्वल्स टू वन। आपको भी पता है आयोटा की पावर क्या लें कि आंसर वन आता है, आपको पता है एम जो है वो लीस्ट सॉरी मल्टीपल ऑफ फोर होना चाहिए, अगर ये मल्टीपल ऑफ फोर होगा तभी आंसर वन आएगा, दैट इज क्या हो जाए, ये प्लस माइनस फोर हो सकता है ना, प्लस माइनस एट हो सकता है, प्लस माइनस सिक्सटीन हो सकता है, सो ऑन। बट हमें कहा गया था लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल है ना बेटा, तो देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल मेरे पास बेटा, या इंटीजर, इंटेग्रल मीन्स इंटीजर वैल्यू, वो क्या होगी फोर होगी, सबसे छोटी और पॉजिटिव, तो आंसर इज फोर, यानी एम की वैल्यू जो है वो बेसिकली फोर होगी। अच्छा अगर मैं यहाँ पर यहीं पे कर देती, इफ आई राइट हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, मैं लीस्ट खा जाते हैं तो बेटा, तो हमारे पास जो है यहां तक आंसर आना था। कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, कोई बच्चा ऐसे लिख देता है m should be 4 into lambda where lambda belongs to integer, one is the same thing। okay बेटा, clear to everyone? अगर मैंने लिखा least positive तो आगे ये कर, ठीक है जी? okay जी, any other doubt, anything you want to ask? okay, all the best for your exams, try to do it honestly without doing cheating, आपको करना ही करना है, तभी आपका कैलिबर टीचर को पता चलेगा, टीचर को पता चल जाता है आप कहाँ चिटिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो। ओके, और डू द कैलकुलेशंस ऑन द साइड पेज सो दैट वी कैन कम टू नो कि यस यू हैव डन दिस विद योर ओन कैलकुलेशंस। ऑल द बेस्ट बेटा।